बापरे कौन दीदी कहता है बाप, कौन दीदी कहता है बाप, मंजेश रे लालगंज में शादी समारोह के बीच हुई मौत। जहां एक तरफ चाचा की शादी को लेकर बज रही थी शहनाई, वहीं दूसरी तरफ भतीजे का करंट लगने से हुई मौत। दरअसल वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के भगवानपुर पकरी निवासी मुकेश रजक का 13 वर्षीय पुत्र मंजेश कुमार की करंट लगने से मौत हो गई है। मुकेश रजक का छोटा भाई तथा मंजेश के चाचा मनीष रजक का गुरुवार को मरवा मटकोर तथा शुक्रवार को मुजफ्फरपुर बारात जाना था। इसी बीच टेंट वाला कहीं बाहर चला गया और मंजेश किसी काम से उस जगह पहुंचा जहां टेंट वाला नंगा तार का जाल बिछाए हुए था। बच्चा अचानक उस तार की चपेट में आ गया और उसे करंट लग गया। बच्चे को करंट लगा देख उसका चाचा मनीष बचाने गया तो उसे भी करंट का झटका लगा। हालांकि वह बाल बाल बच गया, जबकि बच्चे की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उक्त बच्चे को लेकर लालगंज रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में लोग जुट गए। हंसी खुशी शादी समारोह का माहौल अचानक गमगीन हो गया। चारों तरफ चित्कार गूंजने लगा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। कैसे करंट लगा, क्या था आज यहाँ पर देखने के शादी था? आज मरवा मटकोर कल बारात था। जो मरा है लड़का उसके कौन है जिनकी शादी थी? भतीजा है, मनीष कुमार का भतीजा है। चाचा की शादी थी? चाचा। कैसे मतलब क्या छुआ, कैसे हुआ पूरा घटना बताया? तो करंट लगने से हो गया, जनरेटर का तार दौरा हुआ, जनरेटर का तार दौरा हुआ था। अच्छा, उसी तरह में लाइन लगा। हॉस्पिटल ले गए थे? हॉस्पिटल ले गए थे। क्या नाम था जो मौत हुई है? मंजेश कुमार है। कितना उम्र रहा होगा? लगभग 13 साल। उसके पिता का नाम? मुकेश कुमार। कब बारात थी? बारात कब थी? कल था 12 तारीख को। जिनका शादी? बारात कहाँ जाना था? जाना था मीनापुर मुजफ्फरपुर। जिनका शादी होना था उनका क्या नाम था? मनीष कुमार। आज क्या था यहाँ पर? यहाँ पर मरवा मटकोर था। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, 13 नंबर वार्ड से। ऑपरेटर भी बोला था कि हमको पैसा देना होगा। ऑपरेटर होता तो मेरा बच्चा को आज घटना नहीं घटता। कैसे घटना घटी, क्या करना? हाँ, बच्चा जस्ट आया है वहाँ पर, बाजा बजाने भी नहीं गया है, वहाँ पर तार लगाया है, उसमें बच्चा सटा हुआ था, पूरा तार कटा हुआ है। ये पूरा टेंट हाउस वाला का गलती है, टेंट हाउस वाला की गलती है। ऑपरेटर को वहाँ पर रखना चाहिए ना 24 घंटा। अभी ऑपरेटर टेंट हाउस वाला को फोन करता, फोन भी नहीं उठा रहा है। उसमें लाइन चालू था, लाइन चालू था पूरा। हम गए उसको पकड़ने, तो हमको भी मारा था पूरा मेन ऑफ करके, फिर हम बच्चा को निकाले। टेंट हाउस की जो तार बिछा हुआ उसी में करेंट लगा हुआ था, तार पूरा कट पीस करा हुआ है। शादी आज मेरा कल बराती, आज मरवा मोट पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनीष रजक। जो लड़का मरा है उसका मनीष रजक है। घटना लंगा तार दिए हुए था, लंगा तार में गया, क्या करने गया कोई तो देखा नहीं, वहीं में देखे, बाद में लोग देखा, खोजी लगा कि कहाँ है, कहाँ है, खोजने लगा लोग बच्चा के, तो देखा कि लंगा तार है, उसी में लटका हुआ है। जनरेटर वाला तार थी? जनरेटर वाला तार नहीं, लाइन भी था। अच्छा, लाइन आया था, उसी में लटका हुआ, उसी तार से लाइन दौड़ रहा था। हाँ, उसी क्या करने गया बच्चा सो नहीं देखा लो कि उसमें बच्चा बजा बजाने के लिए नहीं गया। आगे क्या प्रक्रिया कर रहे हैं आप लोग? आगे प्रक्रिया है कि गरीब बहुत ज़्यादा है, उनको जो आगे सीओ साहब से करना है कि जो आगे प्रक्रिया है दिया जाए। क्या किस तरह का पेशेंट आया था, क्या था मामला? एक 12 साल का बच्चा आया था, उसके घर पे करंट लग गया। यहाँ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी, हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो गया। इलेक्ट्रिक शॉक लगा था उसका बॉडी में, उसके तुरंत साइन अपने बच्चे को ले गए थे हम लोग, 4 लाख रुपया जो मिलता है, आगे प्रोसेस करेंगे।